देखिए कॉलेज के लड़के आए हुए हैं और घर पे ये देखने के लिए आए हैं कि ये बीमार है सही है। ये कॉलेज के लड़के हमारे को चेक करेंगे, अब ये कॉलेज के लड़के हमारे को चेक करेंगे। ये दिल्ली वॉल पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। देखिए ये एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जो हमें नर्सिंग कर्मियों ने उपलब्ध करवाया है। रामगंज का चिश्ती इलाका, चिश्ती नगर इलाका है, यहाँ पर जो नर्सिंग कर्मी जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम के दिशा निर्देशों पर कोरोना महामारी के दौरान जांच के लिए जा रही है, तो इनके साथ में अभद्रता हो रही है, इनके साथ दुर्व्यवहार इन इलाकों में हो रहा है। और समुदाय विशेष के कुछ लोग हैं, उन्होंने नर्सिंग कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, अभद्रता की है, गाली गलौज जैसी स्थिति आई है। पूरे प्रदेश के अंदर धारा 144 लगी हुई है, लेकिन ये रामगंज जो चिश्ती नगर इलाका है यहाँ पर धारा 144 टूटती हुई नजर आई है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई है और एक तरीके से राजकार्य में बाधा भी यहाँ पे लोगों ने डाली है। जब नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं, जब स्वास्थ्य विभाग का जो सर्वे का काम है वो करने के लिए जब शहर में जगह जगह जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो इनको इस तरीके की कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके लिए पहले भी जिला प्रशासन को इस मार्फत जानकारी उन्होंने दी है। और आज फिर उन्होंने CMHO डॉक्टर KK सोनी है, उनको इसके बारे में जानकारी दी है, ज्ञापन दिया है और एक मांग पत्र जिला प्रशासन सरकार को भी दिया है, जिसमें नर्सिंग कर्मियों के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जब सर्वे कोरोना महामारी जांच के लिए वो डोर टू डोर जाते हैं तो कोई पुलिसकर्मी उनके साथ मौजूद हो, जिससे कि उनको कोई भी व्यक्ति डोर टू डोर सर्वे के दौरान गाली गलौज या अभद्र व्यवहार उनके साथ में ना करे। इसके साथ में सरकार से उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस की भी मांग की है और उसके साथ एक छोटा मानदेय, प्रोत्साहित मानदेय उनको दिया जाए, ऐसी भी नर्सिंग स्टूडेंट्स ने मांग की है। ये तस्वीर जो वीडियो वायरल हुआ है, ये वीडियो भी हमारे को नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स है उन्होंने उपलब्ध करवाया है और इस वीडियो के अंदर स्पष्ट तौर पर सुनाई दे रहा है कि वहां पे जो समुदाय विशेष लोग हैं चिश्ती नगर इलाके के अंदर, उन्होंने किस तरीके से नर्सिंग स्टूडेंट्स का विरोध किया है, उनके साथ में अभद्रता की है। और साथ में आप वीडियो के अंदर ये भी देखेंगे कि जो पुलिसकर्मी दो वहां पर मौजूद हैं उनके साथ भी वहां पर दुर्व्यवहार हुआ है। धारा 144 के नियम को यहां पर तोड़ा गया है और उसके साथ साथ एक बात और है, ये स्पष्ट जिला प्रशासन ने कर दिया था कि अगर कोई भी सरकारी काम के अंदर बाधा डालेगा तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब देखना ये होगा कि इस पूरे के पूरे प्रकरण मामले के सामने आने के बाद में जिला प्रशासन कितनी सख्ती से और कितनी जल्दी इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जो मनोबल है, जो आत्मबल है इन नर्सिंग स्टूडेंट्स का, जो डोर टू डोर इस महामारी के दौरान सर्वे कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आने लग जाता है। लेकिन अब जरूरी है कि जिला प्रशासन ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से कदम उठाए और सख्त से कानूनी कार्रवाई करे। भैया हमने पहले भी CMHO सर को आग्रह करवा चुके, 2 तारीख को हमने CMHO सर को हमारे ज्ञापन दिया था, उनमें हमने बोला था कि हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद लें, उसके बावजूद कल हमारे RR के 5 स्टूडेंट अपने रामगंज चिश्ती नगर के अंदर ड्यूटी कर रहे थे तो वहां से उन लोगों ने बदतमीजी की गई और वीडियो बनाया और वीडियो वायरल किया गया है। और अभी तो इन 5 स्टूडेंटों के साथ ऐसा कर रहे हैं, यदि भविष्य में हमारी 7 वाली लड़कियों की और ENM स्टाफ, GNM स्टाफ, किसी भी गर्ल्स की ड्यूटी लगे तो उनके साथ कैसा अन्याय होगा वहाँ पे सर। तो हम CMHO सर से आग्रह करते हैं कि इसकी जिम्मेदारी खुद ले, उसके बाद वहाँ पुलिस प्रशासन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो हम उस एरिया में ड्यूटी नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, महामारी को देखते हुए हमारे सभी साथी लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं और ड्यूटियाँ कर रहे हैं, सर्वे घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, हमारे देश के लिए हमारी सेवा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग बाग ऐसे हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। और हम CMHO सर से यही विनती करते हैं कि इसकी जिम्मेदारी खुद लें और इन पर कार्रवाई करें। कोई वीडियो वगैरह भी वायरल? जी सर, वीडियो वायरल हुआ था बाकायदा सर, उसमें हमारे नर्सिंग स्टाफ मतलब हमारे मैम, डॉक्टर मैम के साथ और हमारे साथियों के साथ बदतमीजी की गई सर। उसमें क्या क्या जांच कर रहे हैं उसमें आप, तो उससे ऑब्जेक्शन हुआ उन्हें? सर हम सर्वे में जाते हैं, पहले मुखिया का नाम पूछते हैं उसमें और उनके परिवार के जैसे नंबर लेते हैं, उनके परिवार वाले कितने सदस्य हैं, उसके बाद में हम ये पूछते हैं कि किसी के खांसी, जुकाम, बुखार, डायबिटीज तो उससे रिलेटेड ये पूछते हैं, उसके बाद हमारे साथियों के साथ और मैम के साथ बदतमीजी की गई, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी वहाँ था उनके साथ भी गाली गलौज की गई। अगर मान लो कोई पॉजिटिव पेशेंट है उसमें तो उसका आप किस तरीके से पता लगा? सर यदि कोई पॉजिटिव पेशेंट होता है तो हम जैसे किसी के खांसी, बुखार, जुकाम होते हैं तो हमारे सीनियर डॉक्टर को या फिर हमारी मैम जो हमारे साथ होते हैं उनको हम CMHO साहब से मिले क्या? सर CMHO साहब से मिलना नहीं हुआ, पिछली बार भी हमने खूब प्रयास किया था उसके बाद नहीं मिल पा रहे, वो हमारी जो सुनवाई उनको
काना साई कर रहे हैं, मतलब एक तरह से सुन नहीं रहे हमारी मांग। क्या सर आगे क्या रणनीति है सर? आगे ये रणनीति है, ये नहीं मानते तो हम जिला कलेक्टर महोदय के जाएंगे और मीडिया के थ्रू मैं पूरे राजस्थान को आग्रह करना चाहता हूँ, ये महामारी को देखते हुए सभी नर्सिंग स्टूडेंट ड्यूटी करें अपने प्रॉपर, बट ऐसा व्यवहार लोग और कॉलेजों में या और शहर में ना करें। आपका नाम? विनोद मीणा, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय अजमेर अध्यक्ष।